स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और ये रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ पंचायती राज का भाग 2 जो कि पटवारी परीक्षा के लिए एक बेहतर भूमिका निभाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी त्रिस्तरीय निकाय विद्यमान है? जी हाँ, तो मध्य प्रदेश में 3 त्रिस्तरीय निकाय विद्यमान है। पहला है नगर निगम, दूसरा है नगर पंचायत, तीसरा है नगर पालिका परिषद। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितनी नगर निगम है? तो मध्य प्रदेश के अंदर 14 नगर निगम उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने नगर पंचायत हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर 250 नगर पंचायत विद्यमान हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की व्यवस्था कब से शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की व्यवस्था 26 जनवरी 2001 से चालू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया था। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी आपको कि जो 25 जनवरी है वो मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए जितने भी दिन या दिवस हैं वो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, खास करके पंचायत से रिलेटेड, मध्य प्रदेश कृषि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज की जो प्रतिनिधि इकाई किसे माना गया है? सॉरी, प्रतिनिधि इकाई है यहाँ पर, जो प्रतिनिधि लिखा हुआ है, तो ग्राम स्वराज की जो प्रतिनिधि इकाई है वो ग्राम सभा को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक कितने समय में होती है? तो ग्राम सभा की बैठक हमेशा प्रत्येक माह यानी कि 1 माह के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो जी हाँ, ग्राम का जो पहला न्यायालय है वो नीमच जिले के झांतला ग्राम पंचायत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर आते हैं? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनुच्छेद जो 40 है वो उसके अंदर क्या आता है, वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 40 है वो नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके अंतर्गत ही नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत को पंचायती राज शुरू करने की बात कही गई थी? तो इसका उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जी हाँ, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही पंचायती राज शुरू करने की बात कही गई थी। हम जानते हैं कि हमारे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो कि पहली से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना है, और आपको सारी पंचवर्षीय योजनाएं उनका सन, उनका जो ईयर है वो याद होना चाहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके काफ़ी काम भी आएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है और सरपंच के हाथ में ही सारे गाँव की बागडोर होती है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ग्राम पंचायत में सदस्यों की जो संख्या होती है 10 या अधिकतम 20 हो सकती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की वर्तमान संख्या, तो मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायतों की वर्तमान संख्या है वो है 23012। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का क्या काम होता है? तो ग्राम पंचायत अपनी गांव की सफाई, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निगरानी रखता है और गांव के अंदर जो भी काम होगा, चाहे वह राशन से रिलेटेड हो या आजकल तो कुटियों का निर्माण किया जा रहा है आवास योजना के अंतर्गत, तो उन सब की जो निगरानी है वो सरपंच के द्वारा ही की जाती है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके पास अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।